जिंदाबाद। यमुना मैया जिंदाबाद। यमुना मैया जिंदाबाद। यमुना मैया जिंदाबाद। यमुना मैया। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आशु और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्स वाई जेड सर्वे। तो दोस्तों अभी जो मैं हूं यहां पे चांदनी चौक में मौजूद हूं और यहां पे जो चांदनी चौक का जो व्यापार मंडल है, जो यहाँ के व्यापारी हैं, ये एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होने का, यहाँ पे मीटिंग करने का इनका क्या कारण है, अभी आपको सारा, जब आप वीडियो देखेंगे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो हमारे सामने आप देख सकते हैं बड़े बड़े यहाँ के जो व्यापारी हैं वो सारे बैठे हुए हैं और यहाँ पे मंथन किया गया है, यहाँ पे मीटिंग की गई है और वो मीटिंग हुई है जमुना जी की सफाई को लेकर। दोस्तों जो प्रशासन अपना काम नहीं कर सका, अब उसका जिम्मा, उसका बीड़ा जो है चांदनी चौक के व्यापारियों ने उठा लिया है और दिल्ली की जनता को भी जागरूक करने का इनका अभियान है। अभी जो इनका 18 तारीख का जो प्रोग्राम है उसके बारे में खुद बताएंगे और अभी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद में बताइए कि इस मीटिंग में। मैं जगमोहन कोटे वाला हूँ जी और चांदनी चौक में मेरा व्यापार है और यहाँ की संस्थाओं से हम जो लोग बैठे हैं सभी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। व्यापारिक संस्थाएं जो शहर में जितनी भी एसोसिएशन है, हमारी इस कार्यालय में कई बार मीटिंग हो चुकी है और 4 जून को जो रविशंकर तिवारी जी यमुना सफाई का जो इतना बड़ा अभियान सारी दिल्ली में चला रहे हैं उसी के समर्थन में 18 मई को हम सब व्यापारी, जिसमें चांदनी चौक की संस्थाएँ, खारी बावड़ी, किराना कमेटी और चावड़ी बाज़ार, मोटर पार्ट्स, बिजली की एसोसिएशन, सभी लोग मिलकर यहाँ पर एक पैदल मार्च निकाल रहे हैं जिससे कि सारी दिल्ली में और शहर में एक जागृति आए कि यमुना के साथ आज क्या हुआ है और यमुना सफाई के लिए जो रविशंकर जी का प्रयास है उसमें उनके प्रतिनिधि भी यहाँ बैठे हैं। जो हमारे आसपास में जितने भी रिहायशी इलाके हैं, अदरकुली है, कुचा घासीराम है और कुचा बैजनाथ है और चावड़ी बाज़ार की तरफ के लोग भी आए हुए हैं, सभी का यह मत है कि भाई यमुना का जो हाल है उसके लिए हमारा ये साझा प्रयत्न होना चाहिए कि भाई जल्दी जल्दी यमुना की सफाई हो, सरकार पर दबाव बने और यमुना अपने पुराने स्वरूप में आए। अभी जो आपने 18 तारीख का जो यहाँ पे प्रोग्राम रखा है अपना, फतेहपुरी मस्जिद से लेकर लाल किले तक जो आप एक तरह की रैली या फिर कहें वो निकालेंगे, तो उसमें चांदनी चौक से कौन कौन शामिल होगा और चांदनी चौक के अलावा भी क्या इसमें और लोग शामिल होंगे, क्या दिल्ली की जनता भी इसमें इन्वॉल्व है या फिर कोई और भी इसमें शामिल है, बताइए। इसमें चांदनी चौक के जितने भी व्यापारिक एसोसिएशन है, कटड़े हैं, उसके अलावा जो भी आसपास जितने भी एसोसिएशन है, चाहे वो कारी बावड़ी की एसोसिएशन हो, केमिकल की हो, चावड़ी बाज़ार जो हमारी पेपर मार्केट है, लोहे वाले हैं, सारी एसोसिएशनें इसमें शामिल हैं जी और यहाँ के निवासी और आसपास के रहने वाले सभी लोग इसमें शामिल हों। खासतौर से मर्केंटाइल एसोसिएशन जो है इसमें पूरा उसका योगदान है और सारा वो हर कटड़ों को अपने तरीके से सबको जो है प्रेरित कर रहे हैं कि इसमें 18 मई को वो शामिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो चांदनी चौक मार्केट है, यहाँ के जो व्यापारी हैं, मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो सरकार या प्रशासन जो काम नहीं कर पाया, जो हमारी जीवन दायनी है और जिससे हमारा बचपन से क्या सदियों से हमारा धर्म का भी नाता है और हमारी जीवन दायनी जिसे हम जमुना माँ भी कहते हैं, उसकी आज हालत जो है ऐसी हो चुकी है जिसे देखने को भी, वहाँ से जब लोग गुजरते हैं तो अपनी नाक बंद कर लेते हैं, कहते हैं ये नाला है, तो हम उन्हें बताते हैं कि ये नाला नहीं, हमारी जमुना माँ है, आज ऐसी हालत कर दी है प्रशासन ने। तो अब उसी को साफ करने का जो बीड़ा है हमारे जो चांदनी चौक के व्यापारी मंडल है इन्होंने उठाया है और दिल्ली की जनता को भी ये जागरूक करते हैं कि 18 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चांदनी चौक पे आएँ और इनका जो जो यहाँ से रैली निकाल रहे हैं उसका पूरा योगदान। अच्छा आप ये बताइए, यहाँ से जो लोग आएंगे, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं या दिल्ली की जनता है, जो हमारे साथी हैं, जो यहाँ पे आएंगे आपके साथ अपना समर्थन देने, योगदान देने, तो उनका यहाँ का समय और कहाँ पे वो आएँ और कहाँ से ये आपकी रैली स्टार्ट होगी, कहाँ पे ख़त्म होगी, क्या क्या रहेगा, इसके बारे में जानकारी। मेरा नाम चेतन शर्मा है। मैं इस मुहिम से, जैसा भाई जगमोहन जी ने भी बताया, हमारे अध्यक्ष जी ने, चांदनी चौक और दिल्ली, इसकी कल्पना बिना यमुना के सपने में भी नहीं की जा सकती। दिल्ली की जो लाइफलाइन है वो यमुना रही है, यमुना के अंदर पैदा हुआ, यमुना के अंदर ही आदमी ने अपना जिंदगी स्टार्ट की और आज स्थिति ये हो गई है कि वही हमारी जीवन दायिनी, यमुना की स्थिति इतनी खराब और दयनीय हो गई है। जैसे ही भाई रविशंकर जी ने और सूरज सिंह जी ने और लोगों ने इसका आह्वान किया लोक संसद के तत्वाधान में, उसी टाइम के ऊपर तन मन धन से चांदनी चौक के और दिल्ली के सारे व्यापारी इकट्ठे हुए और हमने 18 मई का वीरवार के दिन शाम को 5 बजे फतेहपुरी मस्जिद के ऊपर गैदरिंग पॉइंट रखा है
चांदनी चौक को नीले गुब्बारों से, जो यमुना माँ का प्रतीक चिन्ह है, यमुना का जो कलर है नीला, स्काई ब्लू और वाइट कलर के से हम सजाएंगे, और सारे व्यापारी इकट्ठे होके, सारे ट्रेड के वो लोग इकट्ठे होंगे और लाल किले तक हम जाएंगे। यमुना मैया की सफाई का जो ये अभियान है, ये हमारा आज के लिए नहीं है, ये हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, जो हमारी आने वाली पुश्तें हैं, उनके भविष्य का सवाल है। आज अगर यमुना मैया नहीं बची तो शायद हमारा जो भविष्य है वो खतरे में पड़ जाएगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के सभी नागरिकों में, उसमें यहाँ के निवासी भी आ गए, उसमें यहाँ के व्यापारी भी आ गए, जो नौकरी पेशा लोग हैं वो भी आ गए, जो इवन जो मजदूर हमारी दुकानों पे काम कर रहे हैं, पल्लेदार हैं, उनमें इस बात के लिए बड़ा जोश है कि इस कार्यक्रम में हम लोग शामिल हों। साथ ही ये कार्यक्रम चांदनी चौक एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पे हो रहा है जहाँ फतेहपुरी मस्जिद से लेकर गुरुद्वारा सीसगंज साहिब है, गौरीशंकर मंदिर है, लाल मंदिर है, बैप्टिस्ट चर्च है, और हमारा ये प्रयास भी रहेगा। और जो अभी तक हमें, जैसे हमने लोगों से बात की है, हमें फीडबैक मिला है, सभी धर्मों की तरफ से, जितने धर्मों के गुरु हैं उनकी तरफ से भी, जितने धर्मों के नागरिक हैं उनकी तरफ से भी, कि यमुना माँ सबकी है और इसको साफ करेंगे, यमुना मैया साफ होगी तो इसका फायदा सारी दिल्ली को मिलेगा, हर धर्म को मिलेगा, हर जाति को मिलेगा, हर वर्ग को मिलेगा। हमारे साथ में और भी साथीगण यहाँ पे मौजूद हैं, तो इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारे अभी जो भी यहाँ पे प्रतिनिधि बैठे हैं, इन्होंने जो कहा कि हम यहाँ से जो भी रैली निकालेंगे, तो आप लोग अपना समर्थन इसमें देने के लिए राजी है? बिल्कुल राजी है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। यमुना मैया के बिना दिल्ली में किसी भी चीज की कल्पना करना असंभव है। मैं चांदनी चौक का निवासी हूँ, इनकी पूरी मुहिम में तन मन धन से यमुना मैया का जीर्णोद्धार के लिए पूरे तन मन धन से सहयोग करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ये सब करने का आपको विचार कहाँ से आया, या फिर आपको ये कैसे दिमाग में आया कि ये जो चीज है ये यमुना जी को, कि हम लोग यहाँ सारे लोग मिलकर सफाई करेंगे? मैं राजेश बंसल, केमिकल मर्चेंट एसोसिएशन से, मैं दो तीन बातें बोलूंगा। हमारे देश में नदियों को माँ का दर्जा प्राप्त है और यमुना मैया की हालत डे बाई डे खराब होती जा रही है। मैं यही बात करके खत्म करूंगा, हमें अपनी जिम्मेवारी को निभाना है और यमुना को साफ बनाना है। यहाँ पे देखिए, सोनी जी भी मौजूद हैं यहाँ पे, ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी भी, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप तो आप भी काफी समय से इससे जुड़े हुए हैं और आप हमेशा सामाजिक काम करते रहते हैं, तो अब ये जो यमुना जी की सफाई है, ये जो काम है वैसे तो प्रशासन का होता है, लेकिन प्रशासन क्या इसमें नाकामयाब रहा है, क्यों आपको ये कदम उठाना पड़ा? देखो, ये सारा दिल्ली की जनता का अभियान है और जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं, व्यापार की यूनियन है, एनजीओ है और जितने भी यूनियन चल रही हैं, सब लोग इस काम के अंदर झुके हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार रही हो, चाहे ऊपर भी रही है नीचे भी, किसी ने यमुना जी की तरफ नहीं है। इतना इनके पास पैसा आया, इतना पैसा आया, वो पैसा गया कहाँ? आखिर ये जनता ही ने बीड़ा उठाया भाई, अब सरकारों के ऊपर से विश्वास खत्म हो गया, तो जनता ही इसको तय करेगी ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे हम इनसे भी पूछना चाहेंगे, अच्छा एक ये चीज बताइए, जैसे यहाँ पे सिर्फ व्यापारी मंडल या दिल्ली की जनता ही इसमें इन्वॉल्व है या कोई पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व है? मेरा नाम अभिषेक गनेडी वाला, जनरल सेक्रेटरी कटरा शर्फी कमेटी। ये जो हमारा मंच है वो नॉन पॉलिटिकल मंच है, इसके अंदर सारे व्यापारी, सारे यहाँ के स्थानीय निवासी, वो सब जने यहाँ पे इन्वॉल्व है, पूरी की पूरी अपना जो दिल्ली की जनता इसके अंदर इन्वॉल्व है और सब जने इसका बहुत अच्छे से समर्थन कर रहे हैं। और ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम अपनी यमुना जी की सफाई के लिए ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम धीरज कौशिक है, मैं चावड़ी बाजार पायल एसोसिएशन से हूँ और मैं यहीं का स्थानीय निवासी भी हूँ। ये जो मुहिम है तिवारी जी के थ्रू जो शुरू करी गई है, उसमें आप देख रहे हो कि समर्थन इतना ज़्यादा मिलता जा रहा है। वो समर्थन इसलिए मिल रहा है क्योंकि हर व्यक्ति चाहता था कि यमुना माई साफ हो। अब तिवारी जी ने बीड़ा उठाया है तो इसलिए उसके साथ इतनी संस्थाएं लगातार जुड़ती जा रही हैं। इसका आपको 18 तारीख को एक हमारी यात्रा निकलेगी चांदनी चौक में, फतेहपुरी से लाल किले, उसमें आपको देखने का पता चल जाएगा कि इसका समर्थन कितना है। और इसका जो 4 जून को सुबह 6:30 बजे हम जो मानव श्रृंखला मना रहे हैं, जिसमें हम 1,00,000 आदमी लेके आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है वो 1,00,000 से कहीं पार जाएंगे। तो जैसे मैं भी यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जैसे इनकी तैयारियां चल रही हैं, तो उसको देख के लगता है कि जो 4 जून को जो यमुना जी की सफाई का अभियान होगा, मानव श्रृंखला बनाई जाएगी, उसमें लाखों की संख्या में, क्या मैं तो सोचता हूँ पूरी दिल्ली शामिल होने की संभावना मुझे लग रही है। तो यहाँ पे भाई साहब बैठे हुए हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो अच्छा, ये एक चीज आप ये बताइए, जैसे अभी हमने बात करी थी कि ये कोई ना तो पॉलिटिक्स वो है ना कोई धार्मिक है, तो इसमें हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई सभी लोग शामिल हैं क्या? इस मार्च को पब्लिक ने देखा, जैसे कि राजनेताओं ने जो हाल करा, जिसके बाद यमुना जी की नहीं सफाई, उसके हार के
लोगों ने खुद बीड़ा उठाया और इस बीड़े के अंदर चांदनी चौक जैसा कि पुराना कल्चर है, हर धर्म के लोग रहते हैं, सब लोगों का सहयोग मिलेगा और सब उस मार्च में शामिल होंगे 18 तारीख को यहाँ से फतेहपुर से लेकर लाल किले तक। और जोरों शोरों से तैयारी है, हर बंदा दिल से लगा, क्योंकि अब सबने देख लिया कि ये हमें खुद ही करना पड़ेगा, कोई पार्टी इसको साफ नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, अगर सरकार या पार्टी करती तो अब तक दिल्ली की जो सरकार है लगभग 6-7 साल तो हो चुके हैं, अब तक तो साफ साफ हो चुके, कई बार वादा किया है, अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। तो हमारे साथ में और भी लोग बैठे हुए, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आप दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं 18 तारीख को जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है? मैं संजय प्रभा मुंशीलाल भारद्वाज, इंद्रप्रस्थ चांदनी चौक ब्राह्मण सभा का फाउंडर कोष अध्यक्ष हूँ। बड़े द्रवित हृदय से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जीवन दयनीय माँ यमुना, जो किसी समय हमारी दिल्ली की लाइफलाइन हुआ करती थी, आज एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। देख करके दिल रोता है, खून के आंसू निकलते हैं, और इसीलिए भामाशाह के रूप में चांदनी चौक के व्यापारियों ने, हमेशा ही हर सामाजिक कुरीति के खिलाफ आवाज उठाई है और अपने आप को आगे बढ़ करके किसी भी कुरीति को खत्म करने के लिए आगे लेकर के आए हैं। इसी श्रृंखला में चांदनी चौक का व्यापारी समाज एक रैली निकाल रहा है लोगों को जागृत करने के लिए, और चांदनी चौक की गंगा जमुनी तहजीब रही है। यहाँ पे चारों धर्मों के लोग एक साथ चलते हैं, कोई इसका पॉलिटिकल मंच नहीं है हमारा, ये ना ही कोई धार्मिक मंच है, सभी मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों माँ यमुना की सफाई चाहते हैं, और ये जीवन दायनी के साथ साथ मोक्ष दायनी भी है, और हम पूरे तरीके से दिल से इसका समर्थन करते हैं। सुना है कि इसमें इस्कॉन टेम्पल से भी जो वहाँ के पुजारी हैं या जो पंडित जी हैं वो भी यहाँ पे शामिल होने आ रहे हैं। मेरा नाम मनीष अग्रवाल है, मैं यहाँ से रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन से भी हूँ और मेरा रेजिडेंस भी यहीं है। भाई साहब, इसके अंदर सब जने जुड़ेंगे, खाली एस्कॉन की वाली बात नहीं है, इसमें सारी धार्मिक संस्थाएं जुड़ रही हैं, नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, इसमें किसी प्रकार का वो नहीं है, सबका ध्येय यमुना जी की सफाई है। हम सबसे जो भी बन पड़ेगा तन मन धन से, वो हम सब सहयोग करेंगे, और इसमें गेट टू गैदरिंग और बहुत बढ़िया मतलब जो है इसमें सिस्टम से काम करेंगे। हमारे यहाँ पे जो भी व्यापारी भाई लोग यहाँ पे आए हैं और इन्होंने जो भीड़ा उठाया है जमुना जी को साफ करने का, तो मैं सभी भाइयों को बहुत बहुत अपने तहे दिल से आप सभी लोगों को धन्यवाद। और इसी के साथ में मैं अभी भाई साहब से एक बार लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि आप दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा सबका एक ही अभियान है, यमुना उत्थान व्यापारी अभियान। यमुना मैया जिंदाबाद, यमुना मैया जिंदाबाद, जिंदाबाद यमुना मैया, 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 जिंदाबाद।